हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप? आज तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना तेल का ऐसा स्टीम्ड नाश्ता जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और स्वाद में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्जियाँ ले ली हैं, पत्ता गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है और गाजर ली है। इधर हमने ले लिया है करीबन 1.5 कप गेहूं का आटा और अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इन सभी कटी हुई सब्जियों को इस गेहूं के आटे में डाल देंगे। सब्जियां मैं सारी सीजनल यूज़ कर रही हूं, आप बिल्कुल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस भी हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। सभी सब्जियाँ इसमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर हम इसको बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंथ करके तैयार कर लेंगे। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि नमक जाने के बाद ये सभी सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ने वाली सब्जियां हैं, तो ये पानी भी छोड़ेंगी। तो पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका बिल्कुल स्मूथ सा आटा लगा करके तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। आटे में हम बारीक कटी हुई सब्जियां, नमक और लाल मिर्च पाउडर के अलावा और कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि इसको खाने का जो मेन मज़ा है वो चटनी के साथ खाने का है और इसकी चटनी की रेसिपी मैंने इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर की है। आटा अच्छे से गूंथ करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ले ली है, स्टील की प्लेट ली है और उस पर हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब रिंग्स बनाने के लिए हम इस आटे का थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, उसको हल्का सा गोल करके चपटा कर लेंगे और बीच में इस तरीके से एक होल कर देंगे। इसे रिंग्स की शेप देने से पहले अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये जो आटा है आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से आप रिंग्स की शेप दे पाएंगे। यहाँ पे हमारा आटा काफ़ी सारा बचा हुआ है और इधर हमारी 8 से 9 रिंग्स बन करके तैयार हो गई हैं। तो अब हम इनको स्टीम कर लेंगे। तो इन्हें स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 ग्लास पानी डाल दिया था, एक जाली स्टैंड रख दिया था और इसको हाई पे चढ़ा दिया था। अब इसमें से स्टीम जब उठनी शुरू हो जाएगी तब हम इसमें प्लेट लगा देंगे और अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और 20 मिनट बाद हमारी जो रिंग्स हैं वो पक करके तैयार हो चुकी होंगी। जब ये पक जाती हैं तो इनके ऊपर हल्की सी चमक आ जाती है, तो बहुत ही बढ़िया लगती हैं ये देखने में। तो अब हम इसको फोर्क की मदद से या फिर ऐसे ही हाथों से निकाल करके एक प्लेट में रख देंगे और बाकी की जो रिंग्स हमने तैयार करी हैं वो वापस से इसी प्लेट में लगा देंगे। अगर कढ़ाई में पानी ख़त्म हो जाए तो साइड से पानी थोड़ा सा और डाल दीजिएगा और इनको अच्छे से स्टीम होने दीजिएगा। ये जो स्नैक आइटम है या फिर ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल मोमोज़ को टक्कर देती है, या फिर मैं कहूँगी कि ये मोमोज़ से मच बेटर है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। और दूसरी बात, मोमोज़ को जब हम बनाते हैं तो बेलना पड़ता है, फिर छोटे छोटे उसके रिंग्स काटने पड़ते हैं, फिर उसमें स्टफिंग करनी होती है, फिर फोल्ड करना होता है, फिर हम उसको स्टीम करते हैं। और इसमें तो हमने कुछ नहीं किया, सीधा आटे में ही सारी सब्जियां डाल ली हैं और उनको स्टीम कर दिया है। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। रिंग्स तो बन करके तैयार हो गई हैं, तो चलिए मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे हमने कढ़ाई में करीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था, अब हमने इसमें डाल दिया है 1 बड़ा प्याज। बाकी की चीज़ों में हमने यहाँ पर ली है 1 बड़ी हरी मिर्च, ये काफ़ी तीखी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियां। जब ये प्याज हल्का सा सॉटे हो जाएगा, हल्का सा भुन जाएगा, तब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। इन सभी चीज़ों के हल्के से पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे करीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको भी हमने बड़ा बड़ा ही चॉप करा है। टमाटरों को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक और चटनी के अच्छे कलर के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फिर हम इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। दो मिनट बाद ही टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके होंगे, पक चुके होंगे, तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं
और अब हम इसको एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे। इन सभी चीज़ों को पीसते समय हम हल्का सा इसमें पानी भी डाल देंगे, ताकि एक तो ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, दूसरा थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि ये इस समय एकदम गाढ़ी गाढ़ी पीस करके तैयार होगी। और ये हमारी चटनी पीस करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसको एक कांच के बोल में निकाल लेंगे। इस चटनी को आप चिली के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये इनोवेटिव सी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेंसडे और थर्सडे सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।